दाढ़ी उगाने की गोली और दाढ़ी उगाने की क्रीम में से आपको किसका यूज़ करना चाहिए, जल्दी दाढ़ी किससे आती है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर आप भी दाढ़ी उगाना चाहते हैं और आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है तो आपको ये दोनों ट्रीटमेंट्स बेस्ट ट्रीटमेंट लगते होंगे। एक खाने वाला ट्रीटमेंट है, एक लगाने वाला ट्रीटमेंट है, सस्ते ट्रीटमेंट है, अच्छे ट्रीटमेंट है। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर आप दाढ़ी उगाने के लिए टैबलेट का यूज़ करना चाहते हो या फिर कोई गोली का यूज़ करना चाहते हो तो आप टिनफॉइल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर दाढ़ी उगाने के लिए आप कोई सी क्रीम का यूज़ करना चाहते हो, फेस पर लगाने वाले ट्रीटमेंट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम लगा सकते हैं। इन दोनों से आपकी दाढ़ी 100% ग्रोथ हो जाएगी। बट किसी को अंदर की प्रॉब्लम्स होती है और किसी को बाहर की प्रॉब्लम्स होती है। अंदर की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अंदर की प्रॉब्लम्स यानी दाढ़ी नहीं आने का रीज़न होता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल, यानी ये अंदर की प्रॉब्लम्स होती है। आपके अंदर से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाते हैं जिसके वजह से आपकी दाढ़ी नहीं आती है, आपकी बालों की समस्या सामने आती है। और बाहर की प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो बाहर की प्रॉब्लम यानी आपकी जो दाढ़ी बालों की जड़ है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कम है जिसके वजह से आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट है, अगर आप इन दोनों का भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी बियर्ड ग्रोथ होगी और बहुत जल्दी होगी। बट हम पहले इन दोनों को एक एक करके बात करते हैं। आपको टिनफॉइल टैबलेट यूज़ करना है, ये आप खा सकते हैं। ये देखो आपको इस टाइप की टैबलेट मिलेगी वाइट वाली, आपको एक टैबलेट ओनली रात को खाना है। खाना खाने के बाद पानी के साथ पूरी एक टैबलेट निकाल के आपको निकल जाना है और आपको खाना खाने के बाद सो जाना है इसको खा के, फिर आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये 40 से 50 रुपए में आपको कहीं पर भी मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे। तो ये 10 कैप्सूल यानी 10 ये टैबलेट आती है, तो आप 40 रुपए यानी 4 रुपए की आप एक टैबलेट मान सकते हैं। फिर हम क्रीम की बात करते हैं, तो ये क्रीम लगाने के लिए यूज़ की जाती है आपकी बियर्ड ग्रोथ करने के लिए, फेस को ग्लो करने के लिए। तो आप इस क्रीम को भी रात को लगा सकते हैं खाना खाने के बाद, जब आप सोने जा रहे हैं तब आपके फेस को आप वॉश करें किसी भी शैम्पू साबुन फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप आपके फेस को वॉश करें, इसके बाद आप इसको लगा के सो जाए। तो ये भी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। इसकी प्राइस की हम बात करें तो आपको 100 रुपये में मिल जाती है। ये आपको कम से कम 2 महीने हो जाएगी और ये ओनली 10 दिन होगी। तो अगर आप 10 दिन का टारगेट लगा कर चले तो 40 दिन की आपको 160 रुपये में पड़ जाएगी और ये 2 महीने यानी 60 दिन के लिए आपको सिर्फ 100 रुपये में पड़ेगी। अब जल्दी दाढ़ी किससे आती है? अगर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाते हैं तो फिर जल्दी दाढ़ी इससे आती है, टेबलेट से। और अगर आपकी बाहर की प्रॉब्लम्स होती है तो जल्दी दाढ़ी इससे आती। बट अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये तो मैंने दोनों तरफ ही बात कर दी कि टेबलेट से भी दाढ़ी आती है और क्रीम को लगाने से भी दाढ़ी आती है। बट अगर आप नॉर्मली बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो यानी अगर आप उसको सिंपली यूज़ करना चाहते हो यानी सिंपली आप आपके दाढ़ी को उगाना चाहते हो तो आपको क्रीम का यूज़ करना चाहिए। देखो टैबलेट खाने से लोग डरते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप डॉक्टर से बात करके रिकमेंड करके आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। बट क्रीम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बाहर की प्रॉब्लम्स को दे सकती है, अंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो ये क्रीम मैं खुद यूज़ करता हूँ। आपकी जहाँ पर भी दाढ़ी नहीं आ रही है, पैचेस है, पतले बाल हैं या फिर आपकी जो दाढ़ी है वो रेड या वाइट या ब्राउन हो चुकी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप आपकी दाढ़ी की पूरी शेविंग कर लें। पूरी शेविंग करने के बाद आप इसको रोज़ लगाएं। रात को लगाना है, दिन को आपको बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना अगर आप जल्दी से बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो और अच्छी बियर्ड ग्रोथ अगर आप करना चाहते हो तो ये आपकी 100 दिन में आपकी दाढ़ी उगा देती है यानी 3 से 4 महीने में आपकी दाढ़ी उगा देती है। बाहर की प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है और हो सकता है तो आपके टेस्टोस्टेरोन पर भी वर्क करती है, ताकि ये थोड़ी ऐसी क्रीम होती है जो कि आपके स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है यानी जल्दी जाती है, जिसके वजह से आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है यानी फेस का ब्लड जो है उसके फ्लो को बढ़ा देती है, जिसके वजह से बालों की जड़ तक ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ से आपकी दाढ़ी बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाती है। ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर वर्क करती है यानी आपके अगर अंदर की प्रॉब्लम्स है टेस्टोस्टेरोन पर तो ये आपकी बियर्ड ग्रोथ कर देगी। तो अगर आप दोनों को यूज़ करना चाहते हो तो एक को आप रात को खाएं, एक को आप रात को लगाएं, तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा, आपके अंदर की प्रॉब्लम्स और बाहर की प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व हो जाएगी। आप चाहो तो इन दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं। प्राइस की हमने बात कर ली और कितने दिन में दाढ़ी आती है, लगभग 2 से 3-4 महीने के बीच में आपकी दाढ़ी ग्रोथ हो जाएगी। बट आपको बहुत से काम छोड़ना पड़ेगी, हिलाना है, ड्रिंक स्मोक वगैरह है, डिप्रेशन है, वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेना पड़ेगी, जिससे कि आपको जो पहले की प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाए। तो
तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आप दाढ़ी उगाने के लिए टैबलेट कौन सी यूज़ कर सकते हो, दाढ़ी उगाने के लिए क्रीम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, और आपको कौन सी क्रीम और कौन सी टैबलेट कब यूज़ करनी चाहिए, तो आप यूज़ करके मुझे बताएं। अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और सारे वीडियोज़ जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, यू अगेन।